सुधांशु जी, ये वाकई में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कृषि बीमा योजना है उसमें आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने तहकीकात की, जिसमें निकल के आया कि निजी कंपनियां जो प्रीमियम वसूल कर रही हैं किसानों से, उसका बहुत बड़ा हिस्सा 15-16 हज़ार करोड़ रुपए ये अपने पास रख लेते, तो ये मुनाफा कमाने का तरीका बन गया है प्राइवेट कंपनियों के लिए। ये प्रीमियम तो आपने इकट्ठा किया ताकि आप किसानों को दें, उसी से ये प्रॉफिट मेकिंग चल रही है। देखिए, उन कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो एक अलग विषय है, किसान को मिल रहा है कि नहीं। कोई ऐसा किसान आपको दिखा जिसने कहा कि मैंने फसल बीमा में अप्लाई किया और मुझे नहीं प्राप्त हुआ? आप याद करिए, जो लोग किसानों की बात करते हैं, एक दौर था जब यूरिया के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ लगाते थे, रात रात भर किसान लोग लाइन लगाते थे, कहीं कहीं पुलिस का बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ती थी। पिछले 4 साल में यह सीन एकदम गायब हो गया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी हमने काम किया कि नीम कोटेड यूरिया प्रयोग किया तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज के पास चली जाती थी स्मगलिंग करके, वो होना रुक गया। हमने एक और काम किया राजस्थान में। देखिए, ऋण माफ तो तमाम राज्यों की सरकारें करती हैं, मगर वो किसान जिसने ईमानदारी से और समय पर ऋण चुका दिया, उसे बीचों कोई ना कोई पारितोषिक मिलना चाहिए। तो हमने 50,000 रुपए तक का उन लोगों को भी माफ किया है, वेवर दिया है, जिन्होंने समय से और सही ढंग से अपने ऋण का भुगतान किया। तो हमने किसान को सही ढंग से प्रशस्त भी किया। और दूसरी बात, आज आप राजस्थान में जाइए, आपको सीमेंटेड सड़कें तमाम गांवों में आपको दिखाई पड़ जाएंगी, मगर अगर आप इसके अलावा जाइए तो जितने भी हमने योजनाएं शुरू की थी, अगर शौचालयों के ऊपर पहले भारत में कवरेज 32% था, आज 92% हो गया है, तो उसका सर्वाधिक प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा तो ग्रामीण में ही दिखाई पड़ेगा। अगर बिजली की उपलब्धता यहां पर 3 फेज में 7 घंटे के आसपास रही है, वो पिछला दौर याद करिए जब राजस्थान में बिजली बोर्ड एकदम बैंकरप्सी कगार पे आ गया था, तो वह बदलाव भी दिखाई। शहरी क्षेत्रों में तो आप देख रहे होंगे 20-22 घंटे के आसपास आराम से बिजली आ रही थी। अब यहां पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मगर जितनी बढ़िया बढ़िया बातें आप यहां पर करते हैं, अंदर खाने में बिल्कुल दूसरी बातें निकलती हैं। वो समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, पर्सनल क्या है, पॉलिटिकल क्या है। मैं एक उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था राजस्थान में किसी पैराशूट कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे, फिर अजय माकन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया ये उनका पर्सनल विचार था। अब समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस में पर्सनल क्या है, पॉलिटिकल क्या है। अभी कल ही आपने देखा कि करतारपुर कॉरिडोर में चले गए सिद्धू, भारत सरकार भी उनको नहीं भेज रही, और पंजाब की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो भी कह रहे हैं उनके चीफ मिनिस्टर की जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी पर्सनली चले गए। तो मुझे समझ में नहीं आता है सुधांशु जी, पर्सनल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, कांग्रेस की नीति क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। पर सुधांशु जी, नवजोत सिंह सिद्धू के जाने पे बीजेपी को तकलीफ हो रही है, उसी तस्वीर में अगर देखिए तो हरसिमरत कौर बादल भी खड़ी है, हरदीप सिंह पुरी भी खड़े हैं, ये किसकी पार्टी है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी भारत सरकार के प्रतिनिधि बन के गए थे उस कार्यक्रम में, ठीक, मगर सिद्धू जी न भारत सरकार के प्रतिनिधि थे न पंजाब सरकार के प्रतिनिधि थे, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने मना किया है, वो इमरान खान के व्यक्तिगत मित्र थे। यानी हरदीप पुरी और हरसिमरत कौर बादल हिंदुस्तान की सरकार के झंडा बरदार बन के गए थे और नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान के फरमा बरदार बन के गए थे। ये बड़ी